उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ गई है। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने कल ये कहकर सबको चौंका दिया कि मुख्यमंत्री का चयन चुनाव के बाद होगा, तो उधर अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव प्रचार शुरू करने में देरी हो रही है, कोई प्रचार नहीं भी करे तो वो अकेले ही प्रचार में निकलेंगे। लेकिन अखिलेश की बात शायद नेताजी को ठीक नहीं लगी, लिहाजा उन्होंने अखिलेश पर पलटवार करके साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री का फैसला विधायक करेंगे। चौखट पर खड़े उत्तर प्रदेश में सियासी पारा परवान चढ़ने लगा है। लखनऊ के दावेदार एक दूसरे पर वार करने से कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। बीजेपी और सत्ताधारी पार्टी समाजवादी पार्टी ने अभी से सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। वहीं बहुजन समाज पार्टी भी इस सियासी जंग में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लखनऊ की लड़ाई से अलग समाजवादी पार्टी के घराने में घमासान जारी है। लाख जतन के बाद भी समाजवादी कुनबे की कुलबुलाहट घड़ौंदे से बाहर निकलकर सतह पर गाहे बगाहे आ रही है, जिसकी आहट एक बार फिर सुनाई पड़ी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने मन की पीड़ा ये कहकर बयां की, चुनाव प्रचार शुरू करने में देरी हो रही है, कोई प्रचार नहीं भी करे तो मैं अकेला ही प्रचार में निकलूंगा। अखिलेश की बात शायद नेताजी को ठीक नहीं लगी। मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश का पलटवार कर साफ किया कि मुख्यमंत्री का फैसला विधायक चुनाव के बाद करेंगे। बीजेपी यूपी में खुद को एक प्रबल विकल्प के रूप में पेश करने के लिए जी जान से जुटी है। कानपुर की एक दलित रैली में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने सपा पर चुटकी ली और कहा कि जो अपना घर नहीं संभाल सकते वो राज्य क्या संभालेंगे। घर के झगड़े निपटते नहीं, पर उत्तर प्रदेश को शांति देने के लिए अखिलेश जी दावा कर रहे हैं। मेरा इतना ही कहना है भैया अखिलेश, उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा है, पहले अपना कुनबा ठीक कर दो। फिलहाल चुनाव दूर है, लेकिन सियासी दलों ने अभी से बिगुल फूंकना शुरू कर दिया है। जब भारत के सबसे बड़े सूबे की सत्ता का सवाल हो तो शायद इस सियासी जंग में हर पैतरा जायज है। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मुलायम सिंह की सियासत भी दुविधा में फंसी है, इधर जाएं के उधर जाएं, बड़ी मुश्किल में हैं कि किधर जाएं। एक तरफ पुत्र प्रेम है तो दूसरी तरफ भ्राता प्रेम। अब देखना होगा कि घराने के घमासान का अंजाम क्या होगा। कैमरामैन AMG सुरेंद्र के साथ राजेश राज, DD News, दिल्ली।